हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय कुकर टेक चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले यूट्यूब पे आप लोग अगर डायरेक्टली यहाँ पर डिस्प्ले पे आप लोग सॉन्ग लगाना चाहते हो तो किस तरह से लगाएंगे। पावर बटन आप लोग यूज़ कर सकते हैं, इसमें आपका मोबाइल भी इसमें बंद रहेगा। तो किस तरह से ये वर्क करता है, चलिए इसकी ट्रिक हम लोग आज सीखते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सिंपल दोस्तों, पहले आपको क्या करना है, ये देखिए मेरे हाथ में मोबाइल है और आपको यहाँ पर आपके फर्स्ट तो यहाँ पर मोबाइल के सेटिंग में चले जाना है। जैसे नॉर्मली यहाँ पर मैं इसके अंदर इंटर हो गया और जैसे ही इंटर हो गया दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपको एक ऐप्स करके एक ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ऐप्स का एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो सिंपल आप लोग इसे क्या करेंगे, ओपन करके ले लेंगे। जैसे दोस्तों ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको देखिए अगर आपका कोई और डिवाइस होगा तो यहाँ पर आपको एक मैनेज ऐप्स करके एक ऑप्शन दिखाई देगा, लेकिन मेरा कुछ अलग डिवाइस है तो यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर एप्लीकेशन यहाँ पर बता रहे। तो आपको क्या करना है, मैनेज ऐप्स का ऑप्शन दिखाई देता है तो आपको डायरेक्टली उसे ओपन करके आपको जितने भी मोबाइल के अंदर ऐप्स ऑप्शन है तो आपको डायरेक्टली दिखाई देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको सर्च करना है, ऊपर यहाँ पर एक बार है सर्च का, यहाँ पर आपको यूट्यूब लिखना है। चलिए यहाँ पर मैं यूट्यूब लिख लेता हूँ। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये यूट्यूब का यहाँ पर एक ऑप्शन आ चुका है। तो क्या करना है, इसे हमें ओपन करके ले लेना है। जैसे दोस्तों यूट्यूब वाले ऑप्शन में आप लोग आएंगे, कुछ इस तरह से इंटरफेस यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है नोटिफिकेशन का, तो हमें क्या करना है, इसे ओपन करके ले लेना है। देखिए इसे हम लोग ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका ये अलाउ होना चाहिए, ये देखिए अभी ये डिने है तो यहाँ पर इसे हम लोग अलाउ कर देते। पूरी सेटिंग दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, ये सारे सेटिंग यहाँ पर ऑन ऑटोमेटिकली रहेंगे। तो दोस्तों अभी देखिए, ये सेटिंग होने के बाद हमें यहाँ पर बैक चलना है, पूरा बीच का बटन एक बार दबा लेना है। तो दोस्तों कोई भी आपके मोबाइल में कोई ब्राउज़र हो तो आपको वो ओपन करके लेना है। तो यहाँ पर देखिए मेरा यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र है, तो यहाँ पर मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही ओपन करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए सिंपल आपको यहाँ पर सर्च करना है youtube.com। तो चलिए हम लोग यहाँ पर youtube.com लिख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यही फंडा है इसका कि youtube.com आपको क्रोम ब्राउज़र में ओपन करना है। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये हमारा YouTube यहाँ पर नॉर्मली यहाँ पर ओपन हो चुका है। अभी दोस्तों यहाँ पर आपको 3 डॉट ऊपर दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है 3 डॉट के ऊपर। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है डेस्कटॉप साइट का। तो देखिए यहाँ पर ये टिक लगाना है हमें इस तरह से, जैसे कि दोस्तों आप लोग कंप्यूटर में जैसे youtube.com ओपन कर लेते उसी तरह से यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अभी दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको कोई भी सॉन्ग एक प्ले करना है, जैसे कि मुझे यहाँ पर फ्री वाले सॉन्ग लगाऊंगा क्योंकि मुझे कॉपीराइट का इशू ना हो। तो चलो सिंपल दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ पर सर्च का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर मैं नो कॉपीराइट वाले सॉन्ग लगा देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं NCS के सॉन्ग लगाने वाला हूँ क्योंकि ये फ्री कॉपीराइट होते हैं, तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो सिंपल दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर मेरा NCS का यहाँ पर सॉन्ग आ गए हैं। तो मैं सिंपल वाला ये वाला यहाँ पर प्ले कर देता हूँ। चलिए यहाँ पर ऐड आएंगी तो हम लोग इसे थोड़ा स्किप करेंगे। चलिए ऐड नहीं आई है दोस्तों। यहाँ पर देखिए सॉन्ग यहाँ पर बज रहा है। अभी दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपल आपको देखिए यहाँ से पूरा बैक आ जाना है। जैसे कि ये सॉन्ग चालू है तो आप लोग देख रहे हैं, सॉन्ग चालू है, बैक आ जाना है पूरा। यहाँ पर मैं बैक वाला बटन दबा लेता हूँ, पूरा बीच वाला, और हम लोग यहाँ से बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर अभी पावर बटन है, पावर बटन आप लोग एक बार दबाएंगे। देखिए यहाँ पर मैं दबा लिया हूँ और सिंपल एक बार इसे ऑन किया हूँ। देखिए ये डिस्प्ले आ चुका है, सामने ये सॉन्ग आ चुका है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसे यहाँ से प्ले करेंगे। देखिए यहाँ से प्ले करने के बाद ये सॉन्ग यहाँ पर बज रहा है। देखिए आप लोग यहाँ से यूज़ कर सकते हो इस तरह से। देखिए अभी ये ऑटोमेटिकली ये बजते रहेंगे। तो दोस्तों इस ट्रिक से आप लोगों को काफ़ी हेल्प होने वाली है, आप लोग नॉनस्टॉप यूट्यूब के सॉन्ग इस तरह से बजा सकते हो अपने मोबाइल में। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।